हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहिल गिल और आप देख रहे हैं हमारी वेब। आज एक प्रोडक्ट आपको मेरे पीछे नज़र आ रही होगी, ये चूल्हे हैं और ये चूल्हे जो हैं इनको गैस की ज़रूरत नहीं है और जो इसमें फ्यूल डलता है वो तकरीबन 40 रुपए फ़ी घंटा आपको ज़बरदस्त आग देगा ताकि आप घर में खाना बना सकते हैं, पानी गर्म कर सकते हैं, चाय बना सकते हैं या इसको पिकनिक पार्टी पे कैरी कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही ज़बरदस्त ये प्रोडक्ट है। तो इसके बारे में हमें बताएंगे सुहेब साहब कि ये प्रोडक्ट किस तरह से काम करती है और किस तरह से इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं और ये कितने का है और ये कहाँ अवेलेबल है। वैसे तो ये पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है, तो जितने लोग देख रहे हैं स्टे ट्यून और देखें कि ये चूल्हा किस तरह से काम करता है। आ जाएं। सर बेसिकली जो है ना इसका ये फ्यूल है ओके, जो कि आपका बायोमास या एग्रीकल्चर वेस्ट से बनता है। लकड़ी के बुरादे से उसको कंप्रेस करके हम ये पैलेट्स की फॉर्म में लेकर आते हैं। कम्प्लीटली अगर आप फिलअप करते हैं 900 ग्राम्स तो आपको एक घंटे तक प्रॉपर इसकी आंच मिल जाती है, जिसमें आप इजीली आप खाना पका सकते हैं। एक घंटे के अंदर ये जो आपकी जो फ्यूल है ये कितने किलो के हिसाब से मिलती है, किस तरह से मिलती है और फ्यूल कितना जलेगा? एक घंटे में जो है तकरीबन 900 ग्राम हम कह रहे हैं कि इसमें इस्तेमाल होगा। तो नॉर्मल अगर आपको खाना पकाना हो तो एक घंटे में आपका काम हो जाता है, लेकिन अगर आपको थोड़ी देर के लिए चलाना है तो आप उसमें आधा डालेंगे, जितना आपको चलाना है आप उस हिसाब से डालेंगे। तो ये एक किलो इसकी क्या प्राइस होती है या इसका जो ये पूरा पैकेट है ये कितने किलो का है और कितने का मिल जाता है? एक किलो जो इसकी प्राइस पड़ती है वो 40 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से पड़ती है 15 केजी की पैकेजिंग में। फिर जिस तरह जो है वो आप ज़्यादा पैकेजिंग करते हैं तो उसमें प्राइस तो रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, तो एक हिसाब किताब के मुताबिक अगर आपने एक घंटे तक इसको जलाना है तो तकरीबन 35 to 40 रुपीज़ का आपको इसके अंदर फ्यूल डालना पड़ेगा। अच्छा, ये चूल्हे के अंदर क्या क्या एसेसरीज़ हैं और किस तरह से चूल्हा काम करता है वो हम आपको दिखाते हैं कि इसकी पैकेजिंग के अंदर क्या क्या आपको मिलता है। अच्छा, इसके बॉक्स के अंदर कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि ये पावर बैंक दिया गया है जिससे आप फ़ैन जो है वो चलाएंगे और इसके अंदर प्लग करके बैकअप पावर है, या फिर आप जो है वो कोई भी मोबाइल का चार्जर भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें उसको प्लग करके आप इसका जो फ़ैन है उसको पावर देके उसको ऑन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर जो है वो ये फ़ैन दिया हुआ है जो कि यहाँ पे फिक्स होगा जहाँ से हम एयर कंट्रोल करेंगे, और ये USB इसके साथ जो है केबल है, आप इसको चार्जर में प्लग कर सकते हैं या फिर पावर बैंक में जो इसके साथ दिया गया है। फिक्स करना बहुत ही आसान है, आपने फ़ैन को लिया और फ़ैन जो है वो इसके साथ एक ग्रिल आपको मिलेगी, ग्रिल भी आपने साथ में फ़िक्स करनी है ताकि कोई भी कचरा वगैरह या हाथ उंगली ना लग सके फ़ैन को, ताकि वो स्मूथली काम कर सके। बहुत बेसिक आसान तरीका है इसको फिक्स करने का। स्क्रू ड्राइवर बिल्कुल जो नॉर्मल घर में घर के कामों में इस्तेमाल होता है वो स्क्रू ड्राइवर से आप इसको टाइट कर सकते हैं और ये आराम से फ़ैन यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये दो चूल्हे पड़े हुए हैं, तो ये मॉडल हैं क्या है, एक ज़्यादा मॉडिफाई है, किस तरह से है ये, क्या है? बेसिकली थोड़ा सा स्पेशल और मॉडिफाइड मॉडल है। ये वाला मॉडल जो है हमारा SS पे बना हुआ है और वो वाला जो है हमने थोड़ा पायदारी के तौर पे इसमें ज़्यादा ग्रेड का मटेरियल इस्तेमाल किया है, इसकी फिनिशिंग वगैरह पे काम किया है, थोड़ा प्रॉपर हम इसको लेके गए। काम दोनों का पर्पज़ एक ही है, दोनों का काम एक ही है, सिर्फ इसके अंदर जो है वो नॉब इस तरह से दिया हुआ है, वहाँ पे ज़रा और फैंसी नॉब दे दिया है, स्टाइलिश कर दिया है और ज़्यादा उसको पायदार कर दिया है। नॉब का फ़र्क है, जिस तरह से पावर बैंक लगाने की जगह दे दी है, इसमें बटन दे दिया है और इसमें ये आपको स्टिक मिल जाती है जिससे आप इसको आराम से निकाल सकते हैं यहाँ पे फिक्स करके, ताकि आपका हाथ जो है वो जले नहीं और कोई आपको प्रॉब्लम ना हो, कोई भी जानी नुकसान ना हो सके। अच्छा, अब अगर हम इसको चलाएं तो किस तरह से चलाएंगे आप ये चला के दिखाएं और हम इस पर कोशिश करेंगे कुछ पका सकें, पानी गर्म कर सकें, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह से काम करता है। अच्छा, एक अंदाज़े के मुताबिक ये तकरीबन जो इसकी स्पेस है उसके अंदर अगर आप इसको पूरा फिल कर देते हैं तकरीबन 1 किलो या 900 ग्राम जो है इतना ही इसके अंदर ये फ्यूल जाएगा, इससे ज़्यादा फ्यूल नहीं जाएगा क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही इतनी है। इसी के साथ अगर हम दूसरे वाले में दिखाएं तो उसकी भी कैपेसिटी तकरीबन सेम है और उसके अंदर भी जब आप फ्यूल डालते हैं तो वो भी तकरीबन 1 किलो ही उसके अंदर फ्यूल जाएगा क्योंकि उससे ज़्यादा उसकी कैपेसिटी ही नहीं है। इसके अंदर आपने थोड़ा सा मिट्टी का तेल डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि सिर्फ जो आग है वो पकड़ सके और जो उसका फ्यूल है उसको आग मिल सके ताकि वो लाइट अप हो सके। थोड़ा सा मिट्टी का तेल स्टार्ट में जलेगा तो हम इसको 1 मिनट तक हम ऐसे ही जलने देंगे, फिर तकरीबन 1 मिनट के बाद हम इसका फ़ैन ऑन करेंगे। तो तकरीबन 1 मिनट तक हम वेट करेंगे, 1 मिनट के बाद जो है इसका फ़ैन ऑन करेंगे और फिर देखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है।
अच्छा, हमने इसका फ़ैन भी ऑन कर दिया है नीचे, अगर हम दिखा सकें कि ये फ़ैन ऑन कर दिया और तकरीबन 1 मिनट 10 सेकंड के अंदर इसने तकरीबन कम्प्लीटली आग जो है वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दी है। तो अब जो है हम इसके नीचे नॉब से इसको कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल, आप इसको अभी कंट्रोल भी कर सकते हैं और इस पर आप बिल्कुल रेडी है कि आप पतीला रख के इस पर अपना कुकिंग वगैरह का काम स्टार्ट कर सकें। अच्छा, ये इसका नॉब है जिससे एयर कंट्रोल होगी और एयर कंट्रोल से जो है चूल्हा तेज़ या कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये साइड में इसके नॉब दिया हुआ है, इसको आप घुमाएंगे तो ये इसकी विंडो खुलेगी और एयर ज़्यादा अंदर जाएगी, और अगर आप इसको कम करना चाहते हैं तो उसको बंद कर दें तो बिल्कुल एयर कम हो जाएगी और जो आग है, जो फायर फ्लेम जल रहा है, वो भी स्लो हो जाएगा। तो यहाँ से आप फायर को भी कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना फ्लेम होना चाहिए, कितनी आपको ज़रूरत है, क्या चीज़ आप पका रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। दोनों जल चुके हैं, अगर हम दिखा सकेंगे, उसका भी फ़ैन हमने ऑन कर दिया है और इसका भी फ़ैन ऑन कर दिया। अब जो इसके अंदर ये जो मटेरियल डाला है, जो रॉकेट फ्यूल है जिसका नाम, वो फ्यूल अब जल रहा है और वो आग को प्रोड्यूस कर रहा है। इसी के साथ अब हम इसके ऊपर एक पतीला रखते हैं और देखते हैं कि वो कितनी देर में गर्म होता है या किस तरह से उसमें खाना पकाया जा सकता है। अच्छा बॉस, सबसे पहले हम एक बात करें कि इसकी अगर प्राइस है, जो प्राइस है वो कितनी है? सर, ये वाला जो इसका स्टील वाला मॉडल है, ये इसकी प्राइस है 10,000 और इसका मॉडल क्या है? D900 इसका मॉडल नेम है और प्राइस इसकी 10,000 है। पूरे पैकेज के साथ होता है, एक 15 kg का फ्यूल का बैग साथ दिया जाता है इसके, पावर बैंक भी साथ दिया जाता है और फैन भी इसके साथ दिया जाता है। ठीक है, और जो दूसरा वाला इसका वो है सेम गोज विद द अदर वन, उसके साथ भी आपको 15 kg का बैग भी है, पावर बैंक भी है और उसके साथ केबल भी है उसकी। ठीक है, और वो कितनी उसकी प्राइस क्या है? उसकी प्राइस जो है वो 13,000 है और उसका मॉडल नेम जो है वो S900 है। S900 और D900 ये दोनों अवेलेबल हैं और इसकी कीमत 10,000 रुपये है और 13,000 रुपये, और इससे आपकी गैस की जो मसला है, जो कराची में पंजाब में जो गैस का मसला है, वो आसानी से दूर हो जाएगा और आप आसानी से घर में खाना बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, यहाँ पानी गर्म कर सकते हैं। इस वक्त ये चूल्हा जो है हमने जला के आपको दिखाया, उम्मीद करते हैं कि तमाम लोग जितने देख रहे हैं उनको ज़रूर ये प्रोडक्ट पसंद आई होगी। और ये इस वक्त हर जगह अवेलेबल नहीं है, अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो आप इसको ऑनलाइन सर्च करके भी ख़रीद सकते हैं और इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं, ये आप तक पहुंच जाएगा। पूरे पाकिस्तान में ऑल ओवर डिलीवरी है, पूरे पाकिस्तान में ऑल ओवर पाकिस्तान इसकी डिलीवरी है, प्राइस मैंने आपको बता दिए। अच्छा जी, तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर ये हमने पानी इसके ऊपर रखा था और ये तकरीबन उबल गया है पानी। और सबसे जो मज़े की बात है वो मैं आपको बता दूँ, इस चूल्हे की ख़ास बात ये कि ये देखें, यहाँ नीचे मैं हाथ लगा रहा हूँ तो ये यहाँ से बिल्कुल ठंडा है, तो अगर आप गलती से हाथ वगैरह भी लग जाए तो यहाँ से आपको जलने का या कुछ इस तरह का कोई ख़तरा नहीं है। इसके साइड में आपको हैंडल भी दिए गए हैं ताकि आप इसको आराम से कैरी कर सकें, उठा सकें, अगर आपने उठा के कहीं रखना है, घर में रखना है, पिकनिक पे जाना है, कहीं बाहर जाना है, तो ये चूल्हे को आप आराम से कैरी कर सकते हैं। तो ये इसकी एक बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ़ीचर है कि ये गर्म नहीं होता, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। और ख़ास बात मैं आपकी बताऊं कि 1 घंटे में सिर्फ 35 से 40 रुपये का जो है वो फ्यूल इसमें डलेगा, जो इसका ये फ्यूल है रॉकेट फ्यूल, और आपका खाना तैयार हो जाएगा। तो अगर आपके घर में गैस नहीं आ रही तो आप गैस को भूल जाएं, ये चूल्हा जो है बिल्कुल आपका काम आसान कर देगा, 40 रुपये में आपका खाना बन जाएगा, चाय बन जाएगी और पानी गर्म हो जाएगा, क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं तो लोग पानी ज़्यादा गर्म करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की प्रोडक्ट आपको ज़रूर पसंद आई होगी, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप रॉकेट चूल्हा जो है वो सर्च कर सकते हैं और वो बासानी आपको दस्तयाब हो जाएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले आप हमारी web.com को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। मैं हूँ राहिल गिल, खुदा हाफिज़।